नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 10 जून 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीवो आईपीएल 2021 की नई तारीखों को लेकर आप सभी आईपीएल फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहां पर निकल कर आ रही है, वही दूसरी तरफ भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 और वनडे सीरीज के रिगार्डिंग भी कल यहां पर हमें बीसीसीआई की तरफ से काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिले हैं। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान T20 लीग को आप माई 11 सर्कल ऐप पर खेल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रहा है। जीआईसी ऐप को ज्वाइन करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपए का कैश बोनस प्लस 20% एक्स्ट्रा कैश बैक मिलने वाला है। यहां पर हर मैच के लिए चैंपियंस अपनी टीम हराते हैं, यदि आपकी टीम उनकी टीम को हरा देती है तो आपको आपकी विनिंग का 5 गुना ज्यादा तक कैश मिलने वाला है। काफी सारे लोग यहां पर करोड़ों रुपए जीत चुके हैं, तो आप भी अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से फटाफट माई 11 सर्कल ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे को लेकर। जी हां, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि भाई जुलाई के महीने में भारत की टीम श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर भारत और श्रीलंका आपस में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने वाले हैं। शेड्यूल यहां पर आ चुका है, लेकिन भाई कल यहां पर इस सीरीज के रिगार्डिंग बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर हमें काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिले, जहां पर सबसे बड़ा अपडेट तो यह था कि भाई यहां पर बीसीसीआई ने ऑफिशियली बता दिया कि भाई इस दौरे पर भारतीय टीम के जो कोच होने वाले हैं वो राहुल द्रविड़ होने वाले हैं। उसके अलावा भाई ऐसे भी यहां पर अब लगभग कंफर्म कर दिया कि अगर यहां पर श्रेयस अय्यर इस सीरीज के लिए सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं तो शिखर धवन हमें यहां पर इस दौरे पर श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। स्कोर्स को लेकर भी बड़ी अनाउंसमेंट यहां पर कल हुई है। यहां अपडेट कुछ ऐसा है कि यहां पर भाई 24 सदस्यीय टीम चुनी जाएगी, यह तो कंफर्म हो गया है दोनों फॉर्मेट्स की, यहां पर यानी वनडे और T20 दोनों ही फॉर्मेट्स की मिक्स करके यहां पर 24 सदस्यीय टीम चुनी जाएगी। और भाई जो सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट है उनके मुताबिक साफ बताया जा रहा है कि भाई इस सैटरडे को यहां पर इस दौरे के लिए भारत की फाइनल टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। अब भाई जैसे ही यहां पर ऐलान होता है तो भाई मैंने आप सभी को बताया कि सबसे पहले अपडेट आपको अपने YouTube चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली सीरीज को लेकर ये काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे थे, जिनके बारे में हमने यहां पर बातचीत कर ली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीवो आईपीएल 2021 को लेकर। जी हां, मैंने आप सभी को बताया था कि भाई फेज 2 के लिए फिलहाल बीसीसीआई पूरी तरह से जोरों शोरों से तैयारियों में जुटा हुआ है। भाई यहां पर रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही थी कि भाई 18 या फिर 19 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक हमें वीवो आईपीएल 2021 का फेज 2 यूएई में देखने को मिलेगा, लेकिन भाई यहां पर T20 वर्ल्ड कप 2021 को ध्यान में रखते हुए आईसीसी अब बीसीसीआई के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। जी हां, आप सभी को बताना चाहूंगा जो लेटेस्ट रिपोर्ट उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि भाई आईसीसी बीसीसीआई को 15 अक्टूबर तक यहां पर आईपीएल के सीजन को एक्सपेंड नहीं करने देगी, यानी भाई यहां पर नंबर ऑफ डेज को और भी थोड़ा कम किया जा सकता है। ऐसी यहां पर सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट और जो डेट्स के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट है उसके रिगार्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि भाई आईपीएल 2021 की शुरुआत 19 सितंबर से होने वाली और भाई 10 अक्टूबर को हमें यहां पर वीवो आईपीएल 2021 का फाइनल महामुकाबला यूएई में देखने को मिलेगा। यह कंफर्म हो चुका है कि भाई आईपीएल यूएई में होगा, लेकिन भाई T20 वर्ल्ड कप की वजह से आईसीसी अब लगातार बीसीसीआई को परेशानियों में डाल रहा है। खैर, सिचुएशन के रिगार्डिंग जैसे ही कोई यहां पर बड़ा अपडेट आता है तो वह अपडेट आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 को लेकर, जहां पर भाई मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि भाई T20 वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स बीसीसीआई के पास थे और भाई भारत में लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से भाई
आईसीसी ऐसा चाहता था कि भाई इस टी20 वर्ल्ड कप को भारत से बाहर कहीं शिफ्ट किया जाए, क्योंकि भाई यहां पर आप सभी को पता है कि इतनी सारी टीमें आएंगी तो रिस्क ज्यादा रहता है। तो वैसे में यहां पर यूएई और ओमान को यहां पर थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी बीच में आया था, वो ऐसा चाहता था कि भाई टी20 वर्ल्ड कप का एक पार्ट उनकी कंट्री में हो, तो भाई यहां पर आधिकारिक तौर पर आईसीसी ने उनको नेग्लेक्ट कर दिया, भाई यहां पर ऐसा बोल दिया कि श्रीलंका में वर्ल्ड कप के मैचेस कराना पॉसिबल नहीं है, यानी भाई श्रीलंका में तो हमें डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन भाई एक खबर यहां पर आप सभी लोगों को काफी ज्यादा खुश करने वाली है, खबर कुछ ऐसी कि भाई जिस तरह से लगातार भारत में कोविड-19 के केसेस कम होते जा रहे हैं, रोजाना यहां पर डे बाय डे काफी कम केसेस होते जा रहे हैं, और यदि ऐसा यहां पर अगले 1-2 महीने तक रहता है तो भाई यहां पर आप सभी को पता है कि सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में आ सकते हैं। ऐसे में यहां पर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 को भारत में ही होस्ट किया जा सकता है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईसीसी ने बीसीसीआई को यहां पर 28 जून तक का टाइम दिया है, 28 जून को यहां पर हर हालत में बीसीसीआई को आईसीसी को जवाब देना होगा कि भाई वो टी20 वर्ल्ड कप 2021 को भारत में होस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर उसको कहीं बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं। तो भाई सिचुएशन के रिगार्डिंग जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो वह अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज को लेकर, जहां पर पहला टेस्ट मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया था, काफी रोमांचक यह मैच रहा था, खिलाड़ियों ने यहां पर डेब्यू किया था, वो डेब्यू मैचों में शानदार हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला था, कोनवे ने यहां पर दोहरा शतक जड़ा था, वही दूसरी तरफ ओली रॉबिन्सन ने 7 विकेट निकाले थे, ओली रॉबिन्सन उसके बाद सस्पेंड भी हो चुके, आप सभी को मैंने बताया था। लेकिन भाई सेकंड टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले न्यूजीलैंड टीम को यहां पर बहुत ही तगड़े झटके लगातार लग रहे हैं। जी हां, सबसे पहले इस टीम के कप्तान केन विलियमसन इंजरी के चलते पूरी तरह से सेकंड टेस्ट मैच से रूल्ड आउट हो चुके, वही मिचेल सेंटनर जो इस टीम के बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर है वो भी इंजरी की वजह से सेकंड टेस्ट मैच से बाहर हो गए। तो वैसे में कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को मतलब एक बहुत ही तगड़ा झटका यहां पर सेकंड टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले लग गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल महामुकाबले को लेकर, जो 18 जून से 22 जून के बीच हमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथैम्पटन के मैदान पर दिखाई देने वाला है, काफी रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला। लेकिन भाई वही न्यूजीलैंड की टीम बड़ी मुसीबत में फंस गई, क्योंकि इस टीम के कप्तान गंभीर इंजरी का शिकार हो गए हैं, और जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि भाई आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के लिए भी यहां पर केन विलियमसन शायद अवेलेबल नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह टीम फिलहाल एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गई। खैर, यहां पर मिचेल सेंटर कम बैक कर लेंगे, ऐसी यहां पर सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, ये आज 10 जून 2021 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।